जी मैं पीआरओ डिफेंस उधमपुर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं उस जगह का नाम बिरहा ब्रिज है, जो उधमपुर की एक मेन आर्टेरियल रोड है। पिछले कुछ दिनों में मानसून की वजह से ये ब्रिज जो है बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले लोग इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जो डीसी मैडम है, उन्होंने आर्मी में उधमपुर के गैरिसन के सीनियर ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करी ऑन साइट और ये डिसाइड किया गया कि आर्मी की मदद ली जाएगी इस पुल को वापस से खड़ा करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे आर्मी के इंजीनियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, एक बेली ब्रिज यहाँ बनाया जा रहा है जो कि 190 फीट का गैप को कवर करेगा। इसके अंदर जो आप प्लैंक्स देख रहे हैं उसको उठाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी महाभारत है। उस एक एक प्लैंक का वज़न 258 केजीज है और ऐसे कम से कम 250 से भी ज़्यादा प्लैंक्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर इंडियन आर्मी और नॉर्दर्न कमांड के जवान जम्मू कश्मीर के आवाम के सेफ्टी और उनके वेलफेयर के लिए काम पर लगे हुए हैं। चाहे पीस का दौर मौका हो या लड़ाई का मौका हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे बर्फानी ठंड हो, कपकपा देने वाली ठंड हो, इंडियन आर्मी और नॉर्दर्न कमांड जेएनके के आवाम की रक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। ये जवान चिलचिलाती धूप में लगे हुए हैं। ये जो पैनल इस ब्रिज पे लगा रहे हैं 258 किलो का एक पैनल है और ऐसे 236 पैनल इस पूरे बेली ब्रिज में लगेंगे जो कि 190 फीट की जो दूरी है वो कवर करेगा। और इस बिरहा ब्रिज पे जो बड़ा सा गड्ढा हुआ है उसको जल्द से जल्द इंडियन आर्मी और नॉर्दर्न कमांड के सहयोग से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसको दोबारा तैयार खड़ा करेगी और मुझे यकीन है, हमें यकीन है कि बहुत जल्द इस पुल से फिर से पेडेस्ट्रियन और छोटी गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हो सकेगी।